देश की राजधानी दिल्ली से सटे नोएडा ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से मौसम ने करवट ली है। यहाँ पिछले कई दिनों से कड़कड़ाती धूप और उमस वाली गर्मी से लोग परेशान थे। गुरुवार की सुबह शुरू हुई तेज हवाओं के साथ बारिश ने गर्मी से राहत दी है। लोगों के अंदर खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली एनसीआर में जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई। मानसून की दिल्ली एनसीआर में दस्तक हुई है। जब सुबह दिल्ली नोएडा वालों की गुरुवार नींद खुली तो उन्हें मौसम का बदला अंदाज नजर आया। बालकनी से झमाझम बारिश हो रही थी। जी हाँ, सुबह सुबह ही दिल्ली में मानसून झूमता नजर आया और कई इलाकों को भिगो दिया। फिलहाल दिल्ली के मुनिरका से लेकर सरिता विहार तक और नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है। गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी मानसून का असर दिखने लगा है। सुबह से बादल छाए हुए हैं और कहीं कहीं बूंदाबांदी हो रही है। दिल्ली में हो रही बारिश से दिल्ली वालों को तपतपाती गर्मी से बड़ी राहत मिली है। कई इलाकों में बारिश हो रही है। सरिता विहार और साउथ दिल्ली वाले इलाकों में भी ठीक ठाक बारिश हुई है। बारिश की वजह से सड़कें पूरी तरह से भीग चुकी हैं। इस बारिश से मौसम काफी सुहावना हो गया है। लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। सुबह सुबह ठंडक का एहसास हो रहा है। कुल मिलाकर दिल्ली एनसीआर का मौसम अब कूल कूल हो चुका है। कहते हैं ना कि बरसो मेघ और जल बरसो इतना बरसो तुम, जितने में मौसम लहराए उतना बरसो तुम। दिल्ली में ठीक वही हुआ। बारिश में लोग झूम रहे थे, नाच रहे थे, गा रहे थे। आईएमडी के अनुसार इस पूरे हफ्ते दिल्ली का अधिकतम तापमान 34 से 38 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है और न्यूनतम तापमान 27 से 29 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की संभावना है। न्यूज डेस्क, एएमवी नेटवर्क।